हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो गाइस यहाँ पर देख लो, आज मेरी टीम है, मेरे गांव के लड़के हैं। गाइस इस वीडियो में आज मैं आपको 10 फ्लिप सिखाने वाला हूँ। बिना डर के हम लोग आपको 10 फ्लिप सिखाएंगे, 10 फ्लिप बिना डर के होंगी। और गाइस यहाँ पर देख लो, मेरे गांव के लड़के जो है भैंसी चराने आए। यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ गाइस, यहाँ पर देखो। और गाइस सनी भी चराने आया भैंसी, तो आप लोग समझ सकते हो गाइस। चलो हम लोग सीखते हैं। क्या सीखेंगे? स्टंट सीखेंगे, 10 फ्लिप बिना डर के। तो गाइस यहाँ पर देख लो, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सेफ्टी का आपको विशेष कर ध्यान देना। यहाँ पर देखो बालू एरिया है, जैसे हम लोग गिर भी जाएंगे चोट नहीं लगेगी। पहले स्टेप में आपको सेफ्टी का ध्यान देना है। जब आप लोग सेफ्टी का ध्यान दे देते हो, अब यहाँ पर पहला स्टंट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, बैक फ्लिप। बैक फ्लिप करने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको जंप की प्रैक्टिस करना, अपने घुटने को छाती में छुआना। ये टक जंप आपका जितना परफेक्ट रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, आप लोग उतनी जल्द बैक फ्लिप सीख पाओगे। तो आपको करना क्या होगा, देखो सीधे देखना है और यहीं से डाउन, और ये टक जंप की प्रैक्टिस करना, अपने घुटने को छाती में छुआना ऐसे करके। अब आपका दूसरा स्टेप है, आपको अपनी कमर की एक्सरसाइज करना थोड़ी बहुत। देखो ऐसे करके खड़े हो जाना, थोड़ा थोड़ा आपको लचाना, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है? ऐसे करके थोड़ा जितना होता हो आप लोग उतना करना। आप लोग पूरा डी बन जाते तो और अच्छी बात है। ऐसे करके आपको करना, ऐसे करके। अब आपका तीसरा स्टेप है, आपको अपने हाथों की एक्सरसाइज कर लेना, हाथों की ऐसे करके कर लेना, ऐसे करके। अब आपका चौथा स्टेप है, आपको रोलिंग की प्रैक्टिस करना, रोलिंग। क्योंकि हम लोग जब बैक फ्लिप मारेंगे, जंप लेंगे, और जो हमारी बॉडी हवा में रहेगी, हमें वहाँ पर घूमना भी होता, इसलिए आपको रोलिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना। रोलिंग का मतलब क्या होता है, देखो आपको बैठकर पीछे को और ग्लोटी करना है, ठीक है? समझ रहे हो? तो गाइस यहाँ पर देखो, आपको इस प्रकार बैठ जाना और पीछे को आपको ग्लोटी खेल जाना है। यहाँ पर देख लो बालू है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग फ्लिप सीख रहे हैं। ऐसे करके आपको करना है, ऐसे करके, ऐसे करके। जब आप लोगों का ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है, अब आपको फाइनल में बैक फ्लिप मारना। बैक फ्लिप मारोगे कैसे, देखो आपको सीधे देखना है, देखो सीधे देखना है, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना और यहीं से डाउन, देखो ये। अब यहीं से आपको वही टक जंप करना है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। तो गाइस आप लोग इतना कर लेना, अब आपको फाइनल में बैक फ्लिप मार देना, वो भी सेफ्टी का ध्यान देते हुए। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको सेफ्टी का ध्यान देकर प्रैक्टिस करना। चलो यहाँ पर हम लोग ट्राई करते हैं, इसे सीखते धीरे धीरे, ऐसे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आप लोग इसी प्रकार गिरोगे, देखो ऐसे। गाइस जब आप लोगों से इतना कंप्लीट हो जाता है, अब आप लोग इसमें खड़े कैसे होगे, देखो आपको सीधे देखना है और यहीं से डाउन और हाई जंप लेना, अपने घुटने को छाती में छुआना। जितना हो सके आप लोग टक जंप की प्रैक्टिस करना, जितना आपका टक परफेक्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, उतनी जल्द आप लोग खड़े हो पाओगे। स्टार्टिंग में आप लोग इस प्रकार गिरोगे, अब आप लोग देखना मैं सीधा टक पकड़ लूँगा और खड़े हो जाऊँगा, ठीक? आप लोग यहाँ भी पकड़ सकते हो, यहाँ भी मैं आपको दोनों टक करके दिखा दूँगा। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यह है बैक फ्लिप। मैं यहाँ पर भी आपको टक करके दिखा देता हूँ घुटने में, क्योंकि बहुत सारे लोग घुटने में टक करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ थाई पे टक करते हैं। मैं दोनों टक कर लेता हूँ, ठीक? मैं आपको यहाँ पर भी टक करके दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यह है बैक फ्लिप। मैंने आपको दोनों टक करके दिखा दिया, आप लोग प्रैक्टिस करो, आ जाएगी। ये हो गया आपका पहला स्टंट। दूसरा स्टंट है राउंड अप बैक फ्लिप। राउंड अप बैक फ्लिप करने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में आपको टू हैंड कार्टव्हील आना चाहिए, कुछ इस प्रकार। देखो यहाँ पर आपको ऐसे करके सिंपल से टू हैंड कार्टव्हील, देखो ऐसे करके। तो गाइस यहाँ पर देख लो, ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप है, आपको करना टू हैंड कार्टव्हील। जब आपके पैर हवा में रहे, आपको जोड़ देना कुछ ऐसे करके, देखो यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। तो गाइस जब आप लोगों का यह स्टेप कंप्लीट हो जाता है, अब आपको यहाँ पर करना क्या होगा, तीसरे स्टेप में आपको ऐसे करके बैक फ्लिप मारना। देखो ऐसे करके, ऐसे लचना, यहीं से आपको अपने हाथ को ऊपर को और फिटिक देना, ऐसे करके नहीं करना है, डायरेक्ट आपको देखो ऐसे सीधे देखना और यहीं से डायरेक्ट ये कोशिश करना, आ जाएगी। देखो कुछ इस प्रकार ये, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार आप लोग गिरोगे जब आप लोग यह बैक फ्लिप सीखोगे, क्योंकि इसमें हाथों का फोर्स नहीं लगता है। जब आप लोगों का यह स्टेप कंप्लीट हो जाता है, मानो आप लोग राउंड अप बैक फ्लिप सीख चुके हो, अब आपको करना है राउंड अप और वहीं से डायरेक्ट आपको बैक फ्लिप मार देना होता है, अपने हाथ ऐसे करके फिर देना होता है। चलो यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ, ठीक? आप लोग देखो,
तो गाइस यहां पर आप लोग देख लो, ये है राउंड अप बैक फ्लिप। आप लोग इस प्रकार सीख सकते हो बिना डर के। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में आप लोग गिरोगे। तो गाइस यहां पर देख लो, अब हम लोग तीसरा स्टंट शुरू करने जा रहे हैं, एरियल फ्लिप। एरियल फ्लिप करने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आपको टू हैंड कार्टव्हील आना चाहिए, टू हैंड कार्टव्हील। उसके बाद आपको वन हैंड कार्टव्हील आना चाहिए। यहां पर मैं आपको टू हैंड कार्टव्हील, वन हैंड कार्टव्हील करके दिखा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले यहां पर मैं टू हैंड कार्टव्हील करके दिखाता हूं। देखो सिंपल से आपको ऐसे करके करना है और यहां से ये। अब यहां पर मैं आपको वन हैंड कार्टव्हील करके दिखाता हूं, ये गाइस। आप लोग इसमें रनिंग भी ले सकते हो, रनिंग के साथ करोगे और अच्छी होगी। जब आप लोगों का ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है, आप लोग टू हैंड कार्टव्हील और वन हैंड कार्टव्हील कर लेते हो। अब यहां पर आपको रनिंग के साथ वन हैंड, अब यहां पर आपको रनिंग के साथ वन हैंड कार्टव्हील करना है। अपना हाथ जमीन पर लगाना है, हटाना है और सेफ्टी का ध्यान देते हुए इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि पैरों में बहुत ज़्यादा फोर्स आएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो गाइस यहां पर देख लो, जब आप लोगों का ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है, आप लोग यहां तक आ जाते हो। अब आप लोग इसमें खड़े कैसे होगे, देखो आपको रनिंग के साथ आना है, राइट पैर से किक जितना हो सके और लेफ्ट से जंप, और हाथों का भी फोर्स करना होता है। तो यहां पर देखो, अब मैं इस बार ज़्यादा ताकत लगाऊंगा, स्टैंड हो जाएंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, आ जाएगी। गाइस आप लोग इस प्रकार एरियल फ्लिप सीख सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग फोर्थ फ्लिप स्टार्ट करते हैं, वन लेग साइड स्लिप। करना क्या होगा, आपको मारना है एरियल फ्लिप और आपको इसमें टक करना होता है। आपको करना होगा एरियल फ्लिप मगर आपको इसमें टक करना होता है। यहाँ पर अभी हम लोग टक नहीं करेंगे, मारेंगे एरियल फ्लिप, उसमें जंप लाएंगे। यहाँ पर देखो तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो, मैंने मारा एरियल। आपको मारना है एरियल और इसमें आपको करना क्या होगा, यहां पर दोनों हाथ जांघ पे पकड़ना होता है। आपको मारना है एरियल और टक करना है जितना हो सके। आप लोग राइट पैर से किक, लेफ्ट से जंप, सेम बात है। आप लोग एरियल फ्लिप कर लेते तो साइड स्लिप कर लोगे। यहाँ पर देखो मैं शुरू करता हूँ। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो, फोर्थ फ्लिप हो चुका है, वन लेग साइड स्लिप आप लोग सीख गए होंगे। अब यहां पर हम लोग बढ़ते हैं फाइव फ्लिप, वन लेग वेबस्टर। आप लोग रनिंग के साथ वेबस्टर कैसे करोगे, आपको रनिंग के साथ आना, इसमें आप लोग सीधा जंप लीजिए। देखो हम लोग एरियल फ्लिप साइड स्लिप कर रहे हैं तो टेढ़ू करते थे, इसमें आपको सीधा लेना। देखो आपको राइट पैर से किक इसमें भी लेना है और लेफ्ट से जंप वही करना और टक करना होता है। देखो मैं लेफ्ट पैर से जंप करता हूँ, लेफ्ट हैंड आपको जांघ पे पकड़ना होता है मगर आपको इसमें सीधे जंप लेना है। सेम स्टेप आपको करना है। यहाँ पर देखो एक स्टेप मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो ऐसे करके आपको रनिंग लेना है, देखो ऐसे करके ये इसमें हम लोग सीधा करेंगे ऐसे करके, बस आ जाएगी। और टक करने की भी कोशिश करना यहाँ पर। चलो हम लोग इसे सीखते हैं धीरे धीरे।
तो गाइस यहाँ पर देख लो आपका 5 फ्लिप हो चुका है, आप लोग वेबस्टर भी इस प्रकार सीख जाओगे, प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ पर हम लोग नंबर 6 फ्लिप स्टार्ट करते हैं। स्टैंडिंग वेबस्टर आप लोग कैसे करोगे, देखो आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। नंबर 1 में आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। देखो लेफ्ट पैर हम लोग आगे रखेंगे और इससे हम लोग जंप करेंगे तो हमारा राइट पैर आगे आ जाएगा, ऐसे करके इसकी प्रैक्टिस करना पहला स्टेप, देखो ऐसे करके। अब आपका दूसरा स्टेप है, इसमें आपको हाथों की पोजीशन कैसे रखना और किक कैसे लेना। देखो यहाँ पर ऐसे करेंगे, ये देखो आपका हाथ ऐसे आएगा और राइट पैर आगे जाएगा और यहीं से आपको ऐसे करके करना, ऐसे 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 करके। और नंबर 3 स्टेप है, आपको इसमें रोलिंग की प्रैक्टिस करना है, फ्रंट की तरफ रोलिंग करना है। तो कुछ ऐसे करना होता है, देखो यहाँ पर आपको ग्लोटी करना है, देखो यहाँ पर ऐसे करके। जब आप लोगों को ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है, अब आपको सभी स्टेप को जोड़ देना और यहाँ पर स्टैंडिंग वेबस्टर की प्रैक्टिस करना है। करना क्या होगा, देखो लेफ्ट पैर आगे रखेंगे, ये देखो, और यहीं से राइट पैर से किक और हाथों का भी फोर्स लगाएंगे ऐसे करके। और टक भी करना होता है, जैसे हम लोग रनिंग वेबस्टर करते हैं उसी प्रकार आपको टक भी करना होता है। यहाँ पर चलो हम लोग सीखते हैं इसे भी। तो गाइस आप लोग इस प्रकार स्टैंडिंग वेबस्टर सीख सकते हो। यहाँ पर देख लो बालू है इसलिए यहाँ पर ज़्यादा जंप नहीं मिल पा रहे। तो गाइस यहाँ पर देखो अब हम लोग अगले फ्लिप को बढ़ते हैं। नंबर 7 फ्लिप है फ्रंट हैंड स्प्रिंग। फ्रंट हैंड स्प्रिंग करोगे क्या, यहाँ पर देखो पहले स्टेप में आपको राइट पैर से इसमें भी किक लेना होता है और हाथों की पोजिशन कुछ ऐसे करके रखना। देखो राइट पैर से किक, लेफ्ट से जंप, ऐसे करके आपको करना है, ऐसे करके। अब आपका दूसरा स्टेप है, इसमें भी आपको रोलिंग की प्रैक्टिस करना, आगे को और ग्लोटी करना आगे को, ठीक है। तो यहाँ पर चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो ऐसे करेंगे, ये देखो ये और ये, यार ये आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब आपका तीसरा स्टेप है, सभी को जोड़ देना है और राइट पैर से किक, लेफ्ट से जंप आ जाएगी। स्टार्टिंग में आप लोग गिरोगे कुछ इस प्रकार, सनी करके दिखाइए एक बार फ्रंट हैंड स्प्रिंग। तो गाइस यहाँ पर देखो सनी कर रहा है, देखो कैसा होगा जब आप लोग शुरू करोगे ऐसे करके, देखो ऐसे होगा। वाह सनी, देखो सनी स्टैंड हो गया, आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे आ जाएगी, और करिए एक बार। तो गाइस यहाँ पर देखो सनी कर क्या आ रहा है, देखो राइट पैर से किक, लेफ्ट से जंप और हाथों को पुश जमीन पे करता है। तो आपको भी इसी प्रकार इसकी प्रैक्टिस करना आ जाएगी, देखो ये देखो स्टार्टिंग में आप लोगों से स्टैंडिंग इसी प्रकार होगी। अब यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखो हम लोग वही करेंगे, देखो ये देखो हमारे हाथ ऐसे जाएंगे, ये राइट पैर से किक, लेफ्ट से जंप आ जाएगी, ये तो गाइस ये है फ्रंट हैंड स्प्रिंग। अब हम लोग 8 फ्लिप की ओर बढ़ते हैं, किकअप। किकअप करना कैसे होता है, यहाँ पर आप लोग देखो आपको किसी जगह सो जाना है, यार ऐसे करें, ऐसे करके आपको सो जाना है और ये पैर आपको ऐसे रखना है, ये हाथों की पोजीशन आपको ऐसे करके रखना है, देखो पीछे को ऐसे करके। यहीं से आपको ये पैरों को किक लेना होता है, पैरों को किक मारना होता है हाथों से पुश। स्टार्टिंग में आप लोगों से नहीं होगा, ऐसे करके होगा, देखो ऐसे करके, ऐसे करके होगा। जब आप लोग सीखोगे धीरे धीरे आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहना आ जाएगी, देखो ऐसे करके होगा, ऐसे करके होगा। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्द आप लोगों की आएगी ये किकअप। अब हम लोग इसमें खड़े कैसे होंगे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आपको पैरों को किक मारना है जितना हो सके, किक और हाथों को पुश, ये गाइस ये है किकअप। अब हम लोग 9 फ्लिप की ओर बढ़ते हैं। आपको सुसाइड किकअप कैसे करना होता है, सुसाइड किकअप आपको करना है किकअप, मगर इसमें आप लोग लगातार किकअप मारिए, देखो कैसे होता है। यहाँ पर देखो आपको पहले स्टेप में इसकी प्रैक्टिस करना, देखो इसकी आपको हाथ ऐसे रखना है ऐसे करके, ये देखो ये ये। अब दूसरे स्टेप में आपको यहाँ पर किकअप आना चाहिए, किकअप किकअप कुछ इस प्रकार होती है, आप लोग पता है आपको ऐसे करके किकअप होती है। अब आपका तीसरा स्टेप है, आपको सेफ्टी का ध्यान देना है। अब आपका चौथा स्टेप है, आपको ऐसे करके देखो ऐसे करके, ये आपको ऐसे करके करना है और यहीं से आपको थोड़ा जंप लेना है, जंप के साथ करना है और कोशिश करना जो आपकी पीठ है ये ज़मीन पे जाए और हाथ आपके पहले जाए, ये चोट लगने के चांस हैं। तो यहाँ पर देखो मैं ट्राई करता हूँ, ऐसे करेंगे, ऐसे करके आपको इसकी प्रैक्टिस करना, ये ऐसे। जब आप लोगों को ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है, अब देखो आपको इसी प्रकार करना और वहीं से डायरेक्ट आपको किकअप मार देना, आपको रुकना नहीं होता, डायरेक्ट किकअप मार देना होता है। यहाँ पर देखो मैं ट्राई करता हूँ, देखो करेंगे हम लोग उसी प्रकार,
ऐसे करेंगे, यहीं से हाथ डायरेक्ट फिट करेंगे, देखो। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, ये है सुसाइड कब। गाइस यहाँ पर हम लोग नंबर 10 फ्लिप की ओर बढ़ते हैं। आप लोग हेड फ्रंट हैंड स्प्रिंग कैसे करो, तो करना क्या होगा, पहले स्टेप में आपको इसकी प्रैक्टिस करना, देखो ऐसे करके, ऐसे करके, ये ऐसे करके। दूसरे स्टेप में आपको फ्रंट रोलिंग करना है, कुछ ऐसे करके, ऐसे करके। अब आपको तीसरे स्टेप में कुछ इसकी प्रैक्टिस करना है, देखो यहाँ पर ऐसे करेंगे और यहीं से हम मारेंगे हेड फ्रंट हैंड स्प्रिंग, ये स्टार्टिंग में आप लोगों से इसी प्रकार होगा। और प्लीज़ गाइस आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसे करेंगे ये। तो गाइस मैंने आपको इजी 10 फ्लिप सिखाया, आप लोग इस प्रकार सीख सकते हो बिना डर के। और जो लोग अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि गाइस आप लोग जानते हैं वीडियो बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो गाइस आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।